हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजबल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सुगम कोरोना वायरस पर वीडियो बनाइए, क्या कैसे किस कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ और काफ़ी कुछ बताती हूँ आपको, तो ये मेरा भी फर्ज था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, और इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। और आपको भी नहीं पता है कि आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं कि नहीं ग्रसित हैं, और अब मे भी आपको अंदर अभी भी हो, टचवुड आपको ना हो, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ कि उसके लक्षण क्या हैं, उसके उपचार इन द सेंस कि आपको अपनी बॉडी की इम्यून पावर कैसे बढ़ानी है। इम्यून पावर बढ़ाइए तो कोरोना आपको कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो आपको मैं उसका उपचार भी बताऊंगी। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ऐसे कर लेने से हमें कोरोना हो जाएगा, या फिर मैं जस्ट लैब गई थी अभी 3-4 घंटे पहले, कि वहाँ पे जरा से नॉर्मल से लोगों को सर्दी जुखाम है, वो कोरोना का टेस्ट कराने आ गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि कोरोना का टेस्ट आपको कैसे कराना है और कैसे नहीं कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज इस पर यही बात करूँगी कि किन चीज़ों से आप जाने कि आपको कोरोना है कि नहीं, उसके लक्षण क्या है, उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसी पर आज मैं बात करने आई हूँ। सैनिटाइजर, तो फ्रेंड्स मैं अगर बचाव की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा सैनिटाइजर यूज करना है। एक छोटी सी बॉटल हमेशा अपने पर्स में रखिए, बच्चों के बैग में रखिए, जो इसमें 60% अल्कोहल की मात्रा हो, हमेशा उससे सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को। सेकंड चीज, आपको हमेशा मास्क का यूज करना है, सर्जिकल मास्क नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है N95 रेस्पिरेटर वाला आपको मास्क यूज करना है, 3-लेयर मास्क जिसको कहते हैं। सर्जिकल वाले में कहीं ना कहीं वायरस चले जाते हैं, इसलिए आपको वो मास्क यूज नहीं करना है। साथ ही साथ आपको जिनको भी हल्का फुल्का फ्लू हो या सर्दी जुकाम हो, उनसे दूर रहिए। कितना 60 मीटर की दूरी बना के रखिए, 2 से 3 फुट की दूरी बना के रखिए, देन आप उनसे बात कर सकते हैं, उस समय कोरोना आप पे अटैक नहीं करेगा। अपने घर में डिटॉल का पोछा लगवाइए, क्योंकि डिटॉल में भी कुछ ऐसे जो है चीज़ें मिली हैं जो कोरोना को मारने में सक्षम है। तो उससे अपने घर को साफ और स्वच्छ करिए, और दिन में 2 बार पोछा लगवाइए, वो भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे अपने घर के आसपास डलवाइए, ना ही कोरोना के लिए। सेकंड चीज़, आपको बहुत सारे जर्म से भी वो छुटकारा दिलाएगा। तो जो आपके घर में काम वाली आती है या आपके घर में जो स्वीपर आते हैं बाहर कूड़ा लेने, उनको बोल दीजिए, उनको 2-3 पैकेट ला के दे दीजिए, अपनी बिल्डिंग के बाहर या अपने घर के बाहर बोलिए, या फिर अपने सोसाइटी में या मोहल्ले में बोलिए कि उसको यूज़ करें, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सा बेनिफिट होने वाला है। बचाव में आप हो सके तो शाकाहार रहिए इन दिनों में, और अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो पूरी तरह सा पका हुआ आपको एग खाना है, या फिर आप जो भी नॉनवेज में खाते हैं वो खाइए। वैसे तो मैं बोलूंगी इस समय आप पूरी तरह से शाकाहार बने। अगर मैं उपचार पे आती हूँ तो उपचार में आपको क्या करना है, खुद भी बच्चों को भी इस समय तुलसी का पानी प्योर दीजिए, या फिर तुलसी जो ड्रॉप आती है उसको आप ले सकते हैं। मतलब तुलसी में आपकी जो इम्यून पावर है उसे बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा, जो कोरोना आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो एक उपचार आप ये कर सकते हैं, आप तुलसी की पत्तियों की चाय पी सकते हैं, या तुलसी को बॉयल करके अच्छे से अपने घर के जिस भी पानी में आप पीते हो, या फिर आपके घर में वाटर डिस्पेंसर है, जिस चीज़ में भी, उस वाटर को उसमें मिला दीजिए, शेक कर दीजिए, तो लोगों से बोलिए कि उस पानी को पिए। और अगर मैं लक्षण की बात करूँ तो इसके लक्षण ये हैं, बुखार आना, नॉर्मल बुखार आना नहीं, नॉर्मल सर्दी जुखाम होना नहीं, सर्दी जुखाम के साथ अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, सर्दी जुखाम के साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी के साथ आपको मांसपेशियों में अगर बहुत ज़्यादा ऐंठन है, दर्द है, तो ही आप डॉक्टर से मिलें। तो ये तरह से आप कोरोना, लेकिन ये नहीं कि आपको नॉर्मल हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो गया, आप टेस्ट कराने चले गए, सूखी खांसी इन द सेंस आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ बुखार होना चाहिए, सर्दी जुकाम होना चाहिए, और आपको अगर ऐठन है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा लक्षण है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, बिकॉज जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि
जैसे कि एक भ्रांति पहली हुई है कि अगर अल्कोहलिक हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो हम अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दे। आई थिंक होली में आप सबके पास मैसेज आया होगा कि अल्कोहल पीजिए आप कोरोना से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जैसा ऐसा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरोना कम होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइए, बस इससे बचाव करिए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो बचाव करिए और स्वस्थ रहिए, मेरी यही कामना है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।